हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परक्विजिट्स में जो लास्ट पॉइंट है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8, फ्रिंज बेनिफिट्स। इसमें 8 स्पेसिफिक पॉइंट्स की टैक्सेशन के रूल्स बताए गए हैं कि किस तरह से उनको, उन फैसिलिटीज को टैक्स करना है, और इनके वैल्यूएशन के बारे में रेलिवेंट रूल है रूल 3 सब रूल 7। Rule 3 sub rule 7 is available with us for valuation of fringe benefits. इस particular video में मैं उसमें से first point pick कर रहा हूं, Rule 3 sub rule 7 clause 1 का loan facility। इसके ऊपर एक practical भी इसी question में हम करेंगे, इस video में हम करेंगे, तो this video will be totally focused on loan facility। बहुत छोटा सा पॉइंट है, मैं ब्रीफ में एक बार आपको बता देता हूं कि क्या है इसके अंदर मेन चीजें। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किसी लोन को, से फॉर एग्जांपल 10% में दे रहा है और एम्प्लॉयर उसी लोन को फ्री में दे रहा है, तो 10% लोन अमाउंट का टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉयर उसी लोन को से 8% में दे रहा है, तो कंसेशन 2% का है, तो वो 2% टैक्सेबल हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जो टैक्सेबल अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट करना है मंथली बेसिस पर। सो फॉर दिस पर्पस वी विल सी द अमाउंट, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हम हर महीने के एंड में देखेंगे कि कितना लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और उसके बेसिस पर टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये दो बातें सबसे पहली हैं। पहली बात कि अगर एम्प्लॉयर ने लोन इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल रेट पर दिया है, तो वो बेनिफिट उसके लिए टैक्सेबल होगा। क्राइटेरिया बेस हमने लिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोन के लैंडिंग रेट को, वो क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, और रेट जो है वो 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए अपने को टैक्सेबल बेनिफिट कैलकुलेट करना है, उसका 1 अप्रैल का रेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगा, और उसको लेके आपने ये बेनिफिट कैलकुलेट करना है। एंड फॉर दिस पर्पज वी विल कंसिडर द लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द मंथ। यानी कि अगर महीने में लोन 15 तारीख को लिया, 20 तारीख को लिया, 8 तारीख को लिया, किसी भी एनी डेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ द लोन हैज बीन टेकन इन ए पर्टिकुलर मंथ, इवन इफ इट इज टेकन ऑन द लास्ट डे, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टैक्सेबल वैल्यू, बिकॉज वी हैव टू कंसिडर द लास्ट मोमेंट ऑफ द मंथ, कि भाई महीने के एंड में कितना लोन आउटस्टैंडिंग था। जितना आउटस्टैंडिंग है उस पर हमने टैक्सेशन कैलकुलेट कर लेना है। दैट्स इट। और भी बातें हैं इसके अंदर एक एक करके, लेकिन अभी फिलहाल मैंने जो दो बातें बताई वो लिखवा देता हूं, ताकि आपकी कॉपी भी चलनी शुरू हो और दिमाग भी चलना शुरू हो। सो राइट डाउन द हेडिंग, वैल्यूएशन ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स। इसका सेक्शन है 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 8, और जो रूल है इसका रेलेवेंट, दैट इज रूल 3 सब रूल 7। इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं लोन फैसिलिटी। लोन फैसिलिटी के बारे में लिखिएगा सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट वाइज भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं। इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एनी इंटरेस्ट फ्री लोन और एट कंसेशनल रेट, इफ एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स एनी इंटरेस्ट फ्री लोन और एट कंसेशनल रेट, देन बेनिफिट इज टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉई, देन बेनिफिट इज टैक्सेबल फॉर द एम्प्लॉई एज सैलरी इनकम। सबसे पहली सिंपल सी बात ये कि अगर एम्प्लॉय को कोई भी लोन दिया गया है, इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट पे लोन, तो वो बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा एज सैलरी इनकम। सेकंड पॉइंट, मनी लैंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसका रेट हम यूज करेंगे कंपैरिजन के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। मनी लैंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन 1st day ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज रेलेवेंट।
या आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज मेरी ओपिनियन में ये रेलेवेंट नहीं है, याद करना वो क्वेश्चन में गिवन होगा उसको आप यूज कर लीजिए। मनी लैंडिंग रेट ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज रेलेवेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थर्ड पॉइंट लेंगे, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ इज रेलेवेंट फॉर कंप्यूटिंग टैक्सेबल वैल्यू। जो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, आउटस्टैंडिंग का मतलब जैसे सपोज किसी ने 1,00,000 रुपए का लोन लिया तो ऑब्वियसली वी विल कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू एट 1,00,000, बट सपोज उसने किसी महीने में उसमें से 20,000 वापस कर दिए तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ मंथ हुआ 80,000, दैट मीन्स विल बी कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल वैल्यू विद रेफरेंस टू 80,000। इस पॉइंट पे यहां पर आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका मतलब सर ये जो कैलकुलेशन है ये एनुअल बेसिस पे ना होकर मंथली बेसिस पे होगी। देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेटा, अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है रीपेमेंट की फिर तो सीधा एक एनुअल कैलकुलेशन हो जाएगी, लेकिन अगर वो बार बार साल के अंदर, मैं तो कहता हूँ हर महीने ईएमआईज की फॉर्म में कुछ लोन रिफंड करता है तो येस वी हैव टू डू 12 कैलकुलेशंस, फिर तो कोई वे आउट बचेगा ही नहीं ना। देन वी हैव टू फाइंड आउट द टैक्सेबल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और हर महीने का अमाउंट अगर डिफरेंट है तो ऑब्वियसली जो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है जिस पे हमें टैक्स पे करना है वो भी हर महीने की डिफरेंट हो जाएगी, राइट। चलिए तो अभी हम चलते हैं वापस और देखते हैं और हमारे पॉइंट्स और उनको समझने के बाद फिर हम उसको ब्रीफ में लिखेंगे। सो सबसे पहली बात मैंने लिखी, टैक्सेबल अमाउंट जो है कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट एज ऑन द लास्ट डे ऑफ मंथ मल्टीप्लाइड बाय एसबीआई लैंडिंग रेट्स, ठीक है। तो एसबीआई का जो लैंडिंग रेट है उसको हमने बेस लेके चलना है। इसमें लिखा लेस अमाउंट एक्चुअली रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर इफ एनी, ये तो हर फैसिलिटी में है। अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई से कुछ भी अमाउंट चार्ज कर रहा है तो दैट इज डिडक्टेबल, बड़ा ऑब्वियस सा पॉइंट है लेकिन फिर भी चलो लिख लेते हैं वहां पर हम इसको। सो नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ लिख लीजिएगा, इफ एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, इफ एनी अमाउंट इज, मैं इसको एक्चुअली वर्ड लिख देता हूँ, इज एक्चुअली रिकवर्ड। अब मान लेते हैं कि कंपनी ने कहा था भाई इतना इंटरेस्ट दे देना, उसने दिया ही नहीं तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगी। सो इफ एनी अमाउंट इज एक्चुअली रिकवर्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉई टूवर्ड्स इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन देन सच रिकवर्ड अमाउंट शैल बी डिडक्टेबल, देन सच रिकवर्ड अमाउंट शैल बी डिडक्टेबल फ्रॉम टैक्सेबल वैल्यू। ये बात तो वैसे मैंने इनडायरेक्टली आपको पहले ही बता दी थी ना कि सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कोई लैंडिंग रेट 10% है और कंपनी उसे 8% पे दे रही है, इसका मतलब 8% की रिकवरी हो रही है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, यानी इफेक्टिवली टैक्सेबल होगा 2% पे। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया और वही बात अब बता रहा हूं, अगर 10% का कोई इंटरेस्ट रेट है और एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को वो लोन इंटरेस्ट फ्री दे दिया बिना इंटरेस्ट के, ले जा बेटा, तो इन दैट सिचुएशन तो फिर वो पूरा 10% टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ चार्ज कर रहा है मे बी इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया हो या अमाउंट हो, अब मान लेते हैं क्वेश्चन कहता है 5,00,000 रुपए का लोन है 10% इंटरेस्ट है, तो आपका आंसर टैक्सेबिलिटी आगे 50,000 की। सपोज क्वेश्चन कहता है उससे 10,000 रुपए एक्चुअली में रिकवर किए हैं तो 50 में से 10 माइनस करके 40,000 टैक्सेबल, फ्रॉम 50,000 यू विल डिडक्ट द रिकवरी ऑफ 10,000 रुपीज एंड द बैलेंस 40,000 शैल बी टैक्सेबल, ठीक है। चलिए और देखते हैं हम इसमें आगे फर्दर अपने पॉइंट्स, और एसबीआई लैंडिंग रेट मैंने आपको बता दिया, लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग बता दिया, यहाँ एक एग्जांपल दिया है एक्चुअल पेमेंट पर ही डिडक्ट होगा। चलिए अब इसमें दो एग्जेम्पशंस हैं, एक मेडिकल लोन्स और एक पेटी लोन्स। मेडिकल लोन का मतलब हो गया अगर किसी को ऑपरेशन कराना हो, सर्जिकल ऑपरेशन, तो उसका लोन जो है वो टैक्स फ्री रहता है, और एक पेटी लोन 20,000 तक का छोटा अमाउंट अगर है, तो ये दो एग्जेम्पशन जो है वो लोन फैसिलिटी के अंदर प्रोवाइडेड है। तो चलिए इनको भी हम नोट कर लेते हैं और फिर इनके बारे में और फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। हेडिंग डालिएगा एग्जेम्पशन फ्रॉम लोन फैसिलिटी, एग्जेम्पशन फ्रॉम लोन फैसिलिटी, कि अगर किसी ने लोन लिया हो तो उसमें कैसे एग्जेम्पशन मिलेगी। पहला है मेडिकल लोन्स फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेस, जो भी इन्होंने बीमारी लिखी है कैंसर, एड्स, हार्ट डिसीज इन ऑल दैट, फॉर स्पेसिफाइड डिसीजेस requiring surgical operation,
ये इंपॉर्टेंट है समझना, सर्जिकल ऑपरेशन मीन जो प्रॉपर ऑपरेशन होता है उसके लिए अगर कोई लोन लिया है तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी। यानी अगर क्वेश्चन जो है वो सिर्फ डिसीजेज की ट्रीटमेंट की बात करता है, जो कि हम मतलब कोई भी आदमी, कोई भी पेशेंट घर पे ही मेंटेन कर रहा है अपना या फैमिली मेंबर्स का, और उस पर्पस के लिए अगर कोई लोन है तो वो पर्सनल लोन माना जाएगा, फिर उस पर तो टैक्स लगेगा। लेकिन अगर लोन जो है वो किसी ऑपरेशन के लिए लिया गया है देन इट इज टैक्स फ्री, और इसमें कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 लाख तक एग्जेम्पशन है या 5 लाख तक एग्जेम्पशन है, देर इज नो मॉनिटरी लिमिट, इसमें कोई मॉनिटरी लिमिट नहीं प्रिस्क्राइब की है। मींस ऑपरेशन के लिए जितना भी लोन कंपनी देगी वो एक टैक्स फ्री बेनिफिट की तरह से रहेगा। और दूसरा है पेटी लोन्स। पेटी लोन की इनकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि मैक्सिमम 20,000, 20,000 रुपए तक के लोन को ये पेटी लोन, छोटा, पेटी मैंने छोटा, छोटा लोन मानते हैं, और उसमें 20,000 तक अगर है इन एग्रीगेट तो इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी। इन एग्रीगेट वर्ड से मेरा मतलब है ये ना हो कि भाई कंपनी को, मतलब इनकम टैक्स लॉ को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक लोन 10,000 का, फिर दूसरा 5,000 का, फिर तीसरा 8,000 का, ऐसे 20,000 से कम के छोटे छोटे बहुत सारे लोन लेते रहेंगे, तो वो तो फिर इन एग्रीगेट लिमिट है। 20,000 से ऊपर होते ही लोन अमाउंट उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। वो बात अलग है कि इन केस, इसको भी मैं एक लिखवा देता हूं, इन केस ऑफ मेनी स्मॉल लोन्स टैक्सेशन विल स्टार्ट when the limit of rupees 20,000 is crossed। जब 20,000 की लिमिट क्रॉस हो जाएगी इन दैट सिचुएशन ये टैक्स लगना शुरू होगा, उससे पहले टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि अगर किसी ने 10,000 का लोन लिया तो टैक्स नहीं लगेगा, बट फिर 15,000 का लोन लिया तो अब टोटल हो गया 25, तो 25,000 पे फिर टैक्स लगना शुरू हो जाएगा उस महीने से। जो पहले बीत गया पीरियड उसका तो कुछ नहीं होगा, वो तो टैक्स फ्री पीरियड रहेगा, क्योंकि उस पीरियड में जो आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट था वो लेस देन 20,000 था। 20,000 तक के छोटे लोन्स की तो एग्जेम्पशन दी है ना इन्होंने, और उसके बाद अगर ये क्रॉस करता है तो फिर तो लगेगा। एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जैसे माना सपोज हमने कभी 1 लाख रुपए का लोन लिया और अभी उसमें से हमने 85,000 वापस कर दिया, तो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग रह गया 15,000, तो क्या उस 15,000 पे टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस, लगेगा, बिकॉज द लोन अमाउंट, द ओरिजिनल लोन अमाउंट इज मोर देन 20,000। कहने का मतलब ये है कि अगर लोन ओरिजिनली 20,000 से ऊपर हो और रीपेमेंट करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट 20 से कम रह जाए तो उस पर एग्जेम्पशन नहीं मिलती। ये ओरिजिनल लोन अमाउंट ही अगर 20 तक हो तो एग्जेम्पशन मिलती है। चलिए मैं इस पॉइंट को भी लिखवाई देता हूं यहीं पे। इफ रिमेनिंग outstanding amount is less than 20,000, if remaining outstanding amount is less than 20,000, then exemption is not available if original loan amount is more than रुपीज 20,000। यानी 20,000 से ऊपर का लोन हो तो बाद में रीपे करने से अगर उसकी फिगर 20 से कम भी आ जाए तो भी उस पर टैक्स लगता ही रहेगा। ठीक है, तो ये लोन के बारे में एग्जेम्पशन है। शुरू से अगर हम लोन के बारे में पढ़ें तो सबसे पहली बात ये कि अगर इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट पे दिया है तो वो बेनिफिट सैलरी हेड में टैक्सेबल है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो रेट है वो हमारा बेस है टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ को हमने बेस लेके चलना है, और जो भी अमाउंट एक्चुअली रिकवर हुआ उसको माइनस करना है। एग्जेम्पशन का जहां तक सवाल है, मेडिकल लोन्स फॉर सर्जिकल ऑपरेशंस एग्जेम्प्ट है, कोई लिमिट नहीं है, और पेटी लोन्स 20,000 रुपए तक जो है वो एग्जेम्प्ट है, और मल्टीपल लोन्स होने पर जब फिगर 20 को क्रॉस करती है तो टैक्स लगना शुरू हो जाता है। चलिए अब कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स बचे हैं उनको हम देख लेते हैं, उसमें लिखने का ज्यादा कुछ नहीं है। पेटी लोन्स का मैंने आपको बता दिया। अब स्पेशल पॉइंट्स में सिर्फ एक इंश्योरेंस क्लेम की ये बात की गई है कि अगर कंपनी ने इंश्योरेंस क्लेम आपको दिया, अभी हमने एक्चुअली बात की थी कि जो मेडिकल लोन्स हैं वो टैक्स फ्री हैं। अब मेडिकल लोन से आगे बढ़ते हैं। सपोज इमेजिन कीजिए कि कोई एम्प्लॉय है और उसके किसी फैमिली मेंबर को सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, कंपनी ने मान लेते हैं उसमें 5 लाख रुपए का उनको लोन दे दिया, उनकी इंश्योरेंस भी थी, तो क्या हुआ इंश्योरेंस से फिर उनको मान लेते हैं 3 लाख रुपए वापस मिल गए, तो एज पर इनकम टैक्स लॉ वो 3 लाख रुपए उनको इमीडिएटली कंपनी को वापस करने हैं। अगर नहीं किए तो वो 3 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे एज इफ इट इज अ पर्सनल लोन।
आई रिपीट, इफ एग्जेम्पशन हैज बीन क्लेम्ड फॉर अ मेडिकल लोन देन इंश्योरेंस क्लेम रिकवरी हैज टू बी डिपॉजिटेड बैक इमीडिएटली. इफ इट इज नॉट डन देन द अमाउंट विल बी ट्रीटेड लाइक अ पर्सनल लोन एंड विल बिकम टैक्सेबल टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम. हाँ, इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद अगर आपने उसमें से कुछ रिफंड्स किए हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? चलिए, तो अब मैं इस पॉइंट को भी लिखवा देता हूं. नोट कीजिए, ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, ट्रीटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम After medical loan, लिखेगा, in this situation, the insurance claim has to be reimbursed immediately. Otherwise, it will become taxable as personal loan. नहीं तो फिर वो personal loan की तरह से taxable हो जाएगा. ठीक है? Treatment of insurance claim में मैंने लिखवाया है, in this situation, the insurance claim has to be reimbursed immediately. Otherwise, it will become taxable as personal loan. ठीक है? Any subsequent refunds will be deductible. That is obvious. ठीक है, चलिए और देख लेते हैं अगर इसमें कुछ पॉइंट्स हैं तो. एक क्लोजली हेल्ड कंपनी का पॉइंट दिया है. ये पॉइंट अभी आपको आधा समझ में आएगा, मैं कोशिश पूरी करूंगा, बट मेरे को खुद भी लगता है कि आपको ये पॉइंट अभी आधा समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा समझ में आएगा जब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का चैप्टर पढ़ेंगे. एक्चुअली ऐसा होता ही है सभी सब्जेक्ट्स में ही कि एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का समटाइम्स रिलेशनशिप होता है. तो यहाँ पर भी वही पोजीशन है बेसिकली कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का ये पॉइंट यहाँ पर सैलरी चैप्टर में हम थोड़ा सा इनडायरेक्टली डायरेक्टली डिस्कस करेंगे. अभी मैं लिखवाऊंगा नहीं इसको क्योंकि ये रेलिवेंट नहीं है फ्रैंकली, लेकिन फिर भी पॉइंट है तो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, इतना रेलिवेंट ना हो, फिर भी हम डिस्कस करते हैं. पहले ध्यान से सोचिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में क्या होता है. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के चैप्टर में ये बात लिखी है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को, ध्यान दीजिएगा मैं एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा, अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को जिसके पास मिनिमम 10% कंपनी के शेयर्स हो, कोई लोन देती है और कंपनी के पास रिजर्व्स भी हैं, तो वो लोन उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानी जाती है, यानी वो लोन अमाउंट उसके लिए टैक्सेबल हो जाता है. वो तो अभी भी होगा. अब सवाल यह है कि वो जो शेयर होल्डर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अगर वो एम्प्लॉय भी हो, ये तो हो ही सकता है ना कि कोई आदमी किसी कंपनी का शेयर होल्डर भी हो और उस कंपनी का एम्प्लॉय भी हो, तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है क्योंकि लोन अमाउंट को हम ऑलरेडी टैक्स कर रहे हैं एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और सपोज वो एक इंटरेस्ट फ्री लोन है और वो एम्प्लॉय भी है, तो क्या इस पर्टिकुलर सेक्शन में भी उस पर टैक्स लगेगा? द आंसर इज यस. देखिए, एक तो वैसे भी ये दो बातें अलग अलग हैं, वो सेक्शन लोन के ऊपर टैक्स की बात कर रहा है और हम यहां पर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बच रहा है उसकी बात कर रहे हैं. यहां पर टैक्सेशन लोन अमाउंट की नहीं है, इंटरेस्ट सेविंग की है, तो इन एनी केस यहां पर वो टैक्स लगेगा. इतना सही पॉइंट है, वो सारा यहां पर दिया हुआ है. और आखिरी पैराग्राफ जो आपको बुक में दिया हुआ है या इस पावर पॉइंट की स्लाइड में दिया हुआ है, वो सिर्फ इतना ही बता रहा है कि जो लोन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी अगर एम्प्लॉय को दिया गया, जैसे सपोज मेरी कंपनी है और मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैं उसको डायरेक्टली ना देके दूसरी कंपनी को रिकमेंड कर दूं कि आप इसको लोन दे दो, कोई सिस्टर कंसर्न को या किसी और अपने डायरेक्टर को, क्योंकि आप पर्सनल लेवल पे लोन दे दो, तो एक तरह से वो ये माना जाएगा कि वो लोन एम्प्लॉयर ने ही दिलवाया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और उस पर भी टैक्स लगेगा, राइट? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट योर लोन फैसिलिटी. मैं लास्ट टाइम क्विक रिविजन आपको करवा देता हूं और फिर इसके ऊपर हम करेंगे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो अभी हमने पढ़ा लोन फैसिलिटी के बारे में कि अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई इंटरेस्ट फ्री लोन या कंसेशनल रेट पर लोन देता है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो मनी लैंडिंग रेट्स हैं एज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ लोन, वो हमारा बेसिस बनेंगे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए. लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ, वो फिगर हमने लेके चलनी है जिसके ऊपर हम टैक्सेबल वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे. अगर कुछ भी रिकवरी एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय से किए टूवर्ड्स इंटरेस्ट, वो डिडक्टेबल होगी. जहां तक सवाल है मेडिकल लोन्स का, विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट अगर सर्जिकल ऑपरेशन के लिए लोन है तो वो टैक्स फ्री है.
पेटी लोन्स, अगर 20,000 तक का कोई छोटा लोन है तो वो भी टैक्स फ्री है। इंश्योरेंस क्लेम अगर मिल जाता है तो वो तुरंत कंपनी को वापस करना चाहिए, नहीं तो एज ए पर्सनल लोन वो टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद जो भी फर्दर रिफंड्स एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर को करता है वो उसमें से माइनस इन एनी केस हो जाएंगे, राइट? तो चलिए अब हम अपना शुरू करते हैं इसके आगे का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। खोलिए अपनी बुक को, प्लीज ओपन योर बुक्स एंड स्टार्ट स्टडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3.19 लोन फैसिलिटी के अंदर हमारा क्वेश्चन है 3.19। आंसर टू क्वेश्चन नंबर CQ 3.19, इसमें से पहला पॉइंट मैं ले रहा हूं, आपके लिए रीड भी कर रहा हूं और आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इट सेज ए इज एम्प्लॉयड बाय बी लिमिटेड, ठीक है, एम्प्लॉयज ए। ऑन नवंबर 1, 2015 द कंपनी गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री हाउसिंग लोन ऑफ 40 लाख, 40 लाख रुपए का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है। अब आप देख लो, इंटरेस्ट फ्री लोन है का मतलब जितना भी स्टेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो पूरा टैक्स लगेगा। क्वेश्चन कहता है लोन इज रीपेबल आफ्टर 10 ईयर्स, अज्यूम SBI लैंडिंग रेट्स इज 11%, तो ये पूरा 11% टैक्सेबल होगा, ठीक है। मैं एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना ही लिखूंगा, एज इट इज इंटरेस्ट फ्री लोन, एज इट इज इंटरेस्ट फ्री लोन, SBI रेट ऑफ 11% इज फुल्ली टैक्सेबल, पूरा टैक्स लगेगा। तो उस हिसाब से मैं देखूं तो 40 लाख रुपए पे ये पूरा 11,000 टैक्सेबल है, 11%, ठीक है। लेकिन अब ये 11% टैक्स तब लगेगा ना, पर एनम रेट होता है ये 11%, तो इतना तो आप समझते होंगे कि जो बैंक का रेट है 11%, दैट्स पर एनम। जबकि लोन उसने लिया नवंबर 1 को, तो इसका मतलब हमारे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में 5 महीने बचे हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मैं इसको फिर एनुअल फिगर को 5 महीने में कन्वर्ट कर दूंगा 5/12 करके। तो अब इसको हम कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे, 40 लाख इंटू 11% इंटू 5/12, तो मेरा टैक्सेबल आंसर आ रहा है 1,83,333, ठीक है। आई होप इट इज एब्सोल्युटली क्लियर एंड ईजी। एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, नवंबर 1 को 40 लाख रुपए का हाउसिंग लोन इंटरेस्ट फ्री है, तो इसलिए SBI का जो 11% रेट दिया उस पर पूरा टैक्स लगाया गया। पूरे साल का इसलिए नहीं लिया क्योंकि लोन का डेट अगर 1 अप्रैल होता या पुराना लोन होता तो पूरे साल का टैक्स लगता, बट लोन करंट फाइनेंशियल ईयर के बीच में लिया है नवंबर में, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का हमने इसमें लिया है। सेकंड पॉइंट ले रहा हूं। सेकंड पॉइंट सेज ए इज एम्प्लॉयड बाय बी लिमिटेड, ऑन अक्टूबर 1 ही टेक्स ए पर्सनल लोन ऑफ 40,000, 40,000 है, 20,000 तक तो एग्जेम्प्ट होता है लेकिन अगर 20 से ऊपर चला जाए तो पूरा टैक्स लगता है। बी लिमिटेड रिकवर्स इंटरेस्ट ऑफ 6%, देखिए इस बार इंटरेस्ट फ्री नहीं है, 6% लिया जा रहा है। SBI का लैंडिंग रेट दिया है 18.5%। एज एम्प्लॉयर इज रिकवरिंग 6% इंटरेस्ट, द फैसिलिटी इज टैक्सेबल एट 12.5%, 12.5% पे टैक्स लगेगा। ये कहाँ से पकड़ा मैंने, 18.5% तो SBI रेट था, उसमें से हमने माइनस कर दिया जितना कंपनी चार्ज कर रही है, दैट इज 6%, तो 12.5% पे उसको हम टैक्स लगाएंगे। 40,000 रुपया उसने लिया है, इस पे 12.5% उसका टैक्सेबल है। ये अमाउंट उस पर टैक्सेबल होता अगर पूरे साल होता, लेकिन इसमें भी अक्टूबर में लिया हुआ है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का बनता है 6/12। तो 40,000 इंटू 12.5% इंटू 6/12, तो टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 2,500 रुपीज, ठीक है। आई थिंक ये बिल्कुल इजी है, इसमें कोई खास टेक्निकल पॉइंट नहीं है। लेट्स गो अहेड एंड नाउ विल टेक अप द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट सेज एक्स लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग इंटरेस्ट फ्री लोन टू एन एम्प्लॉई, ₹10,000 फॉर फेस्टिवल्स एंड ₹8,000 फॉर परचेजिंग ए कलर टेलीविजन। यहाँ पे लिखेंगे आप द टोटल लोन अमाउंट इज ₹18,000, ठीक है ना, क्योंकि पहले जो है लोन दिया 10,000 का फेस्टिवल लोन, और उसके बाद जो अमाउंट दिया वो दिया 8,000। तो एज पेटी लोन्स आर टैक्स फ्री अप टू कितना,
आर टैक्स फ्री अप टू रुपीज 20,000, नथिंग इज टैक्सेबल इन दिस केस, नथिंग इज टैक्सेबल इन दिस केस, इस केस में 20,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, बात खत्म। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। थर्ड पॉइंट, द इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, 10,000 फॉर फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन मे एंड 8,000 फॉर कलर टीवी, तो 18,000 इसका टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ गया, जिसपे कुछ भी टैक्सेबल फिर नहीं किया हमने। नाउ टेक द फोर्थ वन, ये कहता है अज्यूम इन द अबव दैट द कलर टीवी लोन इज नॉट 8,000 बट 18,000। हाँ, अब 18 और 10 28 हो गया, ठीक है ना। नाउ द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज रुपीज 28,000, सो टैक्सेशन विल स्टार्ट। कहां से स्टार्ट होगा जी, जब से ये 28 हुआ, कब से हुआ, ये 28,000 रुपए का लोन एक तरह से दिया दिसंबर में, तो विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर 15। ठीक है ना, तो 28,000 रुपए पे टैक्स लगेगा दिसंबर 15 से, तो इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में दिया 18.5%, तो हम ले लेंगे इसको 28,000 इंटू 18.5%, लेकिन ये भी पूरे साल का नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है दिसंबर से शुरू हुआ, तो दिसंबर फिर जनवरी फिर मार्च, 4 महीने हुआ, तो 4/12, तो ये आंसर आ रहा है 1727। ठीक है, तो इसमें मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पेटी लोन्स में एग्जेम्पशन 20,000 तक की है, पहले एक फेस्टिवल लोन 10,000 का आउटस्टैंडिंग था, वो टैक्स फ्री ही रहा, लेकिन बाद में टेलीविजन लोन जो है वो 18,000 का मिला, 18,000, तो टोटल हो गया 28,000, सो नाउ द टैक्सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, विल टेक अप द फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट कहता है ही परचेजेस अ कार ऑन सितंबर 1, ध्यान रखना साल के बीच में है, एंड द लोन ऑफ 5 लाख इज टेकन एट कंसेशनल रेट ऑफ 4%, यानी इस बार पूरा टैक्स नहीं होगा, 4% तो कंपनी चार्ज कर रही है। एज पर द एग्रीड ही इज सपोज टू रीपे इन मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 20,000 फ्रॉम दिसंबर। देखिए लोन लिया सितंबर, रीपेमेंट स्टार्ट करा दिसंबर, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने कोई वापसी नहीं है, बट दिसंबर से हर महीने 20,000 वापस है। सो कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ कंसेशनल लोन, अज्यूम एसबीआई रेट इज 12%। तो सबसे पहली बात यह है कि एसबीआई रेट इज 12%, कार लोन है, एम्प्लॉयर चार्जिंग 4%, सो रियल बेनिफिट इज 8%। एक तो जो भी टैक्स लगेगा वो 8% पे लगेगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टैक्सेबल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। यही था ना रूल, कि भाई हर महीने के एंड में देख लो एट द एंड ऑफ ईच मंथ की कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ रहा है, तो उसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो फॉर इसका लोन स्टार्ट हो गया सितंबर, तो सितंबर 2015 का अगर मैं फिगर लूं तो 5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, तो 8% टैक्स लगेगा, बट इस बार हम एक एक महीने का लेंगे क्योंकि फिगर हर बार चेंज हो रही है, तो 1/12 मैं लेता हूं कैलकुलेट करके, तो 5 लाख इंटू 8% डिवाइडेड बाय 12, तो ये मेरी टैक्सेबल वैल्यू आ रही है 5 लाख इंटू 8% 40,000 डिवाइडेड बाय 12, तो आ रही है 3,333.33, ये आ रही है। ठीक है, सितंबर के बाद अक्टूबर 2015 में भी सेम अमाउंट है, ठीक है ना, तो इसको आप एग्जामिनेशन में तो प्रॉपरली शो कर देंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा प्लीज शॉर्टकट मार रहा हूँ आपके लिए, तो ये सेम ही आ जाएगा क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, तो मैं थोड़ा सा टाइम बचा रहा हूँ। नवंबर 2015 में भी सेम फिगर हमने लेके चलनी है, तो ये एक तरह से वही चीज़ रिपीट हो जाएगी, क्योंकि अभी कुछ रिफंड नहीं है तो सेम ही चलता रहेगा। आप इसमें बोले सर मैं इसको बाद में 3/12 कर दूँ, वो जैसे भी आप करना चाहो कर सकते हो, छोटा मोटा मैथमेटिकल वेरिएशन सब कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नाउ दिसंबर से उसने 20,000 रुपये वापस किया, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ दिसंबर जो होगा वो फिगर चेंज हो जाएगी, नाउ इट विल बी 4,80,000,
ठीक है ना, उस पर आप 8% इंटू 1/12 करेंगे, ये मुझे करके देखना पड़ेगा, 480,000 इंटू 8%, 480,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 12, माय कैलकुलेटर सेज 3200। सिमिलरली फॉर जनवरी वी हैव टू सॉल्व इट, एंड नाउ अभी 20,000 उसने और वापस किए होंगे जनवरी में, तो 460 पे मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फोर लैख 60,000 इंटू 8%, एक महीने की फिगर आ रही है 3066.67, ठीक है। देन वी हैव टू सॉल्व इट फॉर फेब्रुवरी 16, अभी रह गई होगी फिगर 440, वही 8% पे टैक्सेशन, लेकिन एक महीने का एक एक बार हम निकालेंगे, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अगेन वी हैव टू यूज द कैलकुलेटर, 440 इंटू 8% डिवाइडेड बाई 12, 2933.33। लास्ट मार्च 16 में इसकी वैल्यू रह गई होगी लोन की 420, 420,000 इंटू 8% इंटू 1/12 into 8% divided by 12, this figure is 2800, ठीक है। अब मुझे इसका टोटल चेक करना है, तो माई कैलकुलेटर सेज 22,000, सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू इज कमिंग टू बी 22,000, ठीक है। सो दिस इज योर कैलकुलेशन फॉर द कार लोन इन क्वेश्चन 3.19 पार्ट 5। आई थिंक बहुत ईजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो इन्वॉल्व थी, कुछ खास बात थी नहीं इसमें, दो बातें थी, एक तो ये कि 12% SBI रेट था, लेकिन 4% कम नहीं चार्ज करिए तो टैक्स 8% पे लगा, और सितंबर में लोन है तो सितंबर से टैक्सेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन रीपेमेंट दिसंबर से है, तो मैंने 20,000 रुपये हिसाब से लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईच मंथ को रिड्यूस करता चला गया। सो दिस इज माय कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आप अभी तक ये कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं कर पाए तो वीडियो को पॉज करके कंप्लीट कर लीजिए और फिर आराम से शांति से अगला पॉइंट देखिए। चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं, नाउ वी आर टेकिंग अप द पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 इज A takes an interest-free loan of 3 lakh from his employer on May 10 for medical treatment of his wife who is suffering from a disease specified in Rule 3A. Mrs. A is also covered under Mediclaim insurance cover. Insurance company reimburses her hospitalization charges of 1,50,000. देखिए, शुरू में medical loan of 3 lakhs है. So, medical loan of rupees 3 lakh is tax-free. इसमें कोई tax नहीं है. But insurance claim of rupees 1,50,000 has been recovered. But वो उसको मिल गया. अब उससे क्या हुआ कि वो 1.5 लाख उसको वापस करना जरूरी हो गया, ठीक है। ये इंश्योरेंस क्लेम उसको मिला है 1 February 2016 को, हमारे रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर में ही। Now according to the terms of repayment of loan, A has to pay 10,000 per month on 7th day of each month. उसको हमेशा 10,000 रुपये वापस करने थे, तो वो अगस्त से ही वापस कर रहा है, बट नेचुरली टैक्सेशन ही फरवरी से स्टार्ट हुआ, तो उससे पहले की जो उसकी रिकवरीज थी वो डिडक्टेबल नहीं हो पाएंगी, तो उसके बाद अगस्त से ही वो दे ही रहा था, तो फरवरी में जैसे ये 1.5 लाख मिल गया, तो फरवरी में टैक्स करने के लिए, क्योंकि उसने पूरा पैसा वापस नहीं किया, सिर्फ 10,000 वापस किया, तो अगर मैं फरवरी 2016 के लिए उसको टैक्सेबल करूं, तो 1,50,000 पूरा ना टैक्स लग के उसने जो 10,000 उस महीने वापस किया उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस महीने के लिए मैं उसको 1.40 पे टैक्स करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आगे दिया हुआ है 18.5%, और ऑब्वियसली मैं एक महीने का ही लूंगा उससे, तो ये मेरा टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी 1,40,000 इंटू 18.5% डिवाइडेड बाय 12, दिस फिगर इज कमिंग टू 2158.33। कुछ बच्चे जरूर सोच रहे होंगे मन में कि सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, सो आई एम डूइंग इट। वैसे तो आप किसी भी चीज़ को रिपीट पॉज करके भी रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियोस को, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ।
मेडिकल लोन टैक्स फ्री होता है, मैंने टैक्स फ्री कर दिया। अगर इंश्योरेंस क्लेम की बात नहीं करता तो बात यहीं खत्म हो जाती। इंश्योरेंस क्लेम 1.5 लाख आया, अगर वो उसने तुरंत पूरा पैसा वापस कर दिया होता तो भी टैक्सेबिलिटी की बात नहीं आती। बट लोन वापस हुआ, इंश्योरेंस क्लेम आया 1.5 लाख और वापस हो रहा है सिर्फ 10,000 के रेट पे, तो जो पहले इंश्योरेंस क्लेम मिलने से पहले रीपेमेंट्स होगी, ऑब्वियसली वी हैव टू इग्नोर देम, क्योंकि टैक्सेशन ही स्टार्ट नहीं हुआ। टैक्सेशन स्टार्ट होगा इंश्योरेंस क्लेम मिलने के बाद। इंश्योरेंस क्लेम मिला फरवरी में, तब उसने 10,000 वापस किए, तो 1.5 में से ही मैं मान के चलूंगा कि वो 10 वापस कर दिए और टैक्सेबल अमाउंट रह गया 1.40। तो लोन अमाउंट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द मंथ हम मान के चलेंगे इसमें 1,40,000। और उसी पैटर्न पे मार्च 2016 की अगर मैं बात करूं तो 1.40 में से भी हम मान के चलेंगे कि उसने और 10 वापस कर दिए, तो ये फिगर रह गई 1.30। अब हमारा जो टैक्सेबल वैल्यू आ गया वो है 130 × 18.5% × 1/12, 1,30,000 × 18.5% / 12, इट इज कमिंग टू 2,004.17। ठीक है, सो टोटल टैक्सेबल वैल्यू जो हमारी इसमें आ रही है निकल के, दैट इज द एडिशन ऑफ द टू, इट इज 4,162.50। दिस इज द टोटल टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मेडिकल, दिस इज ऑल अबाउट लोन फैसिलिटी, दिस इज द फर्स्ट फ्रिंज बेनिफिट। इन द कमिंग वीडियोज विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग वन। कोई डाउट है तो आप ऑलवेज वेलकम है, कभी भी मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।